श्रद्धांजलि देनी होगी यशपाल शर्मा जी को उन्होंने हमारा साथ इस साल छोड़ दिया और मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मैंने काम किया है उनसे मिली भी हूँ लेकिन यशपाल शर्मा जी का किरदार निभाया वो हमारे साथ एक्टर यहाँ मौजूद है जेंटलमैन अमंग्स्ट जेंटलमैन इस तरह से मैं उन्हें याद करती हूँ यशपाल शर्मा के किरदार को निभाने के लिए क्या ट्रेनिंग आपने ली थी माइक अगर आपके पास है तो जी क्रिकेट तो इम्पोर्टेंट था ही क्योंकि वो तो खेलना है अल्टीमेटली लेकिन उससे ज़्यादा मेरे लिए जो कैरेक्टर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है वो उसके अंदर इमोशंस क्या है वो कैसे जीते जीता है अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे बिहेव करता है क्या है क्योंकि वो अडाप्ट करने से आधा काम आसान हो जाता है क्योंकि वो फिर दिखने लगता है आपके बॉडी लैंग्वेज में उसके लिए मुझे मिलना ज़रूरी था और फॉर्चुनेटली मैं मिला भी उनसे और मेरा ध्यान वहीं था कि वो कैसे उनका बिहेवियर कैसा है वो कैसे बात करते हैं उनका अपना रिलेशनशिप घर पर कैसा है टीम के साथ कैसा है तो वो काफ़ी था और वो जिस तरह के श, जिस तरह की शख्सियत थे डिसिप्लिन फोकसड तो वो पता नहीं क्यों उनसे मिलने के बाद ऑटोमेटिकली वो ऐसे जैसे मैं बाइक करता जा रहा था मेरे अंदर आता जा रहा था फिर मैंने उनसे ट्रेनिंग भी ली थोड़ी सी टेक्निक सीखी एक दो दिन जितना मुझे समय मिला और वो शायद मेरी लास्ट मुलाकात थी लंदन हम जाने वाले थे और आखिरी मुलाकात थी मेरी उनसे आ, मैं मिलने गया था उनसे दिल्ली स्पेशली और वो ट्रेनिंग ग्राउंड में थे छोले भटूरे मंगाए हुए थे दोनों बैठ के खा रहे थे मैं पैड वैड अपना बांध रहा था और मुझे बता रहे थे कि एक इंसिडेंट था जहाँ पे माइकल होल्डिंग और गोल्डन ग्रेनेज उनको लिफ्ट में मिले थे जी। और माइकल होल्डिंग ने उनकी तारीफ करी थी दैट वेल प्लेड मान तो ऐसा उन्होंने बताया था तो वो सब करा और उसके बाद सीखता गया समझता गया फ़ोन पे कनेक्टेड रहा उनसे बात करता रहा फिर कई चीज़ें छानी उनके बैटिंग स्टाइल और वो सब को लेके आई थिंक जो कॉमन चीज़ हम दोनों में थी जिसकी वजह से मैं कर भी पाया वो ये था कि पैशन और देश के लिए जो एक उनका वो था जज्बा और अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि मैं वर्थ हूँ टीम में और जिस जज्बे के साथ वो लड़े जो पहले मैच में हमने देखा पहले ही मैच में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ तो आई थिंक वो काम मेरा आसान करता गया करता गया करता गया और बाकी ऑफ कोर्स ये इतनी प्यारी टीम साथ में थी कबीर सर तो डेफिनेटली मैं मतलब अपने लिए तो मैं ये समझता हूँ कि ही इज़ स्टार फॉर मी अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ तो मेरे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है और पाजी यशपाल जी को इससे अच्छा ट्रिब्यूट और क्या हो सकता है कि देखिए अब एक फिल्म आ गई है जिसमें उनकी लेगेसी इस किरदार के थ्रू जी जाएगी आ, बिल्कुल सही और आ, शायद आ, आज आ, हमारी तमाम पूरी टीम इधर है और वो यशपा को बहुत आ, मिस कर रहे हैं पाजी आई नो बहुत इमोशनल मोमेंट है और आ, ऐसे में क्या होता है ना जब हम अचीवर्स की बात करते हैं हम उन परफॉर्मर्स की बात करते हैं तो कई बार ट्वेल्थ मैन का जिक्र नहीं होता लेकिन मैं अब वहाँ से मूव करना चाहती हूँ ट्वेल्थ मैन की तरफ शिका आ, सुनील वेल्सन का रोल निभाया है आ, और उन्होंने आप आप ये बताइए कि जब बाहर बैठ के कोई कैरेक्टर प्ले करना हो जिसका फील्ड पे कोई काम नहीं है वो कैसा एक्सपीरियंस था यार, uh, स्टार्टिंग में मुझे लगता था यार मैं क्या करूँ इस फिल्म में बेसिकली एस एन एक्टर यू फील यार वॉट वट विल आई डू वट विल माई कॉन्ट्रीब्यूशन बी इन दिस फिल्म एंड बी वेर एट धर्मशाला एंड आई आई स्टार्ट लिटरली उनके पाव पड़ गया था सर कुछ तो बताओ कुछ तो होगा कपिल <laughs> सर के सर कुछ तो होगा यू मस्ट he is one of the strongest person mentally

रेक्टर uh, था सुनील uh, वैल्सन के लिए एक तो कन्विंस करना uh, है वाला है क्या मुश्किल था ये uh, हाँ आई थिंक बहुत मुश्किल कैरेक्टर है क्योंकि फील्ड uh, पे नहीं है कॉन्ट्रीब्यूशन इज वन पार्ट ऑफ दिन लेकिन फील्ड पे उनको मौका नहीं मिला uh, लेकिन वो कैसे वो बिल्कुल एक टीम का हिस्सा है हाँ वो और वो उस एक कैरेक्टर के थ्रू वो दिखाई देता है कि इस टीम में किस किस्म की बॉन्डिंग थी बिल्कुल ये नहीं था कि आज मैच में कौन यू you नो know, किसने क्या परफॉर्मेंस किया तो कुछ इक्वेशन बदल रहा है नहीं बदल रहा ये सब एक साथ एक लेवल पे चल रहे थे आई थिंक इसलिए ये कहानी इतनी खूबसूरत है कि सब लिटरली मैं कहता हूं कि ना मतलब जवान बिल्कुल बंच ऑफ बॉयज एक दूसरे को पकड़ के इन्होंने खींच के आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि उस वक्त जो हुआ वो हो गया किसी के मन में क्या रहा है लेकिन पर्दे पर जब आता है तो कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस को आप लेकर के आते हैं वो बहुत डिफिकल्ट है अच्छा रणवीर अब इमोशंस की चूंकि बात हुई है तो दीपिका का जिक्र हमेशा होता है एक बड़ी अच्छी और खूबसूरत सी बात मुझे पता चली कि जब वो ये पूरा वर्ल्ड कप का ये गेम हो रहा था और आखिरी इनिंग्स में हम चल रहे थे उस वक्त रोमी मैम जो थी वो वहाँ स्टेडियम से बाहर चली गई दुखी होकर कि शायद भारत जीत नहीं पाएगा लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया जब भारत उस वक्त क्या ये सच है क्या कपिल पाजी साहब की बात भी करें आ, ये जो डिटेलिंग है जो एनिकोड्स हैं ये कपिल पाजी हर हर जगह से आए थे सारे प्लेयर्स को मिले कबीर सर उनसे छोटी 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 कहानियाँ इकट्ठा की और फिर एक महीन तरीके से कारीगरी करके एक स्क्रीन प्ले बनाया तो आप मोरलेस जो भी देखेंगे इस फिल्म में वो एक्चुअली हुआ है आई थिंक रोमी जी जब निकल गई थी स्टेडियम से बहुत सालों बाद उन्होंने कपिल जी को कपिल जी को